या तो हम ये तीनों टर्म्स ले लें या हम a a plus d a plus 2d ये तीन टर्म्स लेंगे अदरवाइज हम ऐसा कर सकते हैं कि सर हम वो तीन टर्म्स a minus d a और a plus d ले लें सो so, दोनों में डिफरेंस क्या है जब हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं कि हमारे पास इफ या टेकिंग द थ्री टर्म्स ए d a एंड a plus d देन अगर इन तीनों का आप सम करते हैं If you are taking the sum of these three terms, then this d and d will get cancelled out, and you will be getting three a. So from this only equation, if we are giving the sum is equals to some quantity k, let's say, then we can directly find the value of one variable a. So it helps us to simplify the question. So the thumb rule is the three numbers are an AP. कैन बी टेकन एज ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी पर इस चीज का ध्यान रखिएगा आपकी ये कब लेंगे ये हम तब लेकर चलते हैं जब हमें सम दे के रखा हो क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म इज नॉट ए बेसिकली हम शुरू से एपी में लिखते आ रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली वी आर राइटिंग है की ए इज द फर्स्ट टर्म बट यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म नहीं है ए माइनस डी फर्स्ट टर्म है सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि मैंने फोर नंबर्स को एपी में लिया तो जब मुझे इनका सम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें चार टर्म्स कौन से लेने हैं देन द फोर टर्म्स वी विल बी टेकिंग इज प्लस थ्री डी अगेन यूज ये हो जाएगा जब मैं सम निकालूंगा तो माइनस थ्री डी और प्लस थ्री डी कैंसल हो जाएगा प्लस डी और माइनस का डी कैंसिल हो जाएगा सो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बट अगेन यहां पर दो चीजें ध्यान रखने की है दोनों चीजें क्या क्या है पहली दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए माइनस थ्री डी तो ए माइनस थ्री डी उसका पहला टर्म सेकेंड शुरू से हमने क्या देखा हमने देखा कि ए पी कैसे लिखी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी बट यहां आप देखिए यहां पर मेरी एपी है ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी सो यहां कॉमन डिफरेंस कितना है यहां कॉमन डिफरेंस डी नहीं है यहां कॉमन डिफरेंस है टू डी तो जब आप और नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे थे जैसे कि आप तीन टर्म्स ले रहे थे तो कॉमन डिफरेंस डी आ रहा था बट जब आप चार टर्म्स अज्यूम करेंगे जो कि आप करेंगे ये थ्री टर्म्स में ही एक पीछे और एक आगे बढ़ा देते हैं सो द फाइव टर्म्स विल बी फाइव टर्म्स विल बी ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ये हम अगेन ध्यान रखेंगे कि हमें तब लेना है व्हेन वी आर गिवन दैट द सम ऑफ द टर्म्स इन एन एपी इज सम वैल्यू सिमिलरली फॉर द सिक्स टर्म्स फोर टर्म्स जो थे उसी में एक पीछे कर लेते हैं तो क्या होगा a 4d नहीं होगा क्यों क्योंकि जब मैं चार टर्म्स ले रहा था तो मेरे पास

So, what we are given is the numbers are in the AP, sum of the 3 numbers is found to be 15. So, we are given that the sum of the 3 numbers is 15 and the common difference is 2. Find the 3 numbers. So, the 3 numbers we will be taking is a minus d, a, a plus d, and its sum is 15. So, a minus d plus a. प्लस ए प्लस डी इज इक्विटीन ऑन सोल प्लस डी एंड माइनस डी गेट कैंसल सो एस इज इट इज इक्वस टू फाइव सो ए आ गया कॉमन डिफरेंस गिवन है कॉमन डिफरेंस कितना है टू सो हमारे टर्म्स क्या होंगे अगेन टर्म्स हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी